हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित के अध्याय 2.1 की। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो क्लास में नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर एक क्लास की हर एक वीडियो एक क्रम से मिलने वाली है। तो जो इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके पिछले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है और एकदम सरल अध्याय है। तो अध्याय स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जिसके जानने की वजह से प्रश्नावली 2 जो है आपका एकदम सरल हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि आपको दो चीज़ें ये जानना होता है कि जो क्षैतिज लाइन होती है, जो क्षैतिज रेखा होता है, उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। कौन से अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष। ये वाई डैश होता है, ये आपका एक्स डैश होता है। ये जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, क्या हमने बोला, जहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को नाम देते हैं मूल बिंदु। कौन सा नाम देते हैं? मूल बिंदु नाम देते हैं। ये बातें जरा सा आप गौर से समझिएगा। यहाँ पर एक्स का भी मान 0 होता है, वाई का भी मान 0 होता है। ये बातें आपको समझ में आई। अब देखिएगा, मूल बिंदु से दाएं तरफ, मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे आपको इधर पॉइंट लिखना हुआ तो 1, 2, 3 ये धनात्मक लिखेंगे, ये -1, ये -2, ये ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और नीचे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। आगे आप देखिएगा, इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या बताया? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। मैंने इतनी बातें बताई। फिर आपको क्या बताया गया कि मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपको क्या कहें, आपके चैप्टर का जो नाम है वो बहुपद है। बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होते हैं, क्या नहीं होते, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है। आप उसको जरूर जाके वहाँ देखेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। तो बहुपद का वहाँ व्यापक समीकरण बताया गया होगा। बहुपद का क्या बताया गया होगा? व्यापक समीकरण। तो बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है उसको भी जरा सा लिखते हैं, तब आपको आगे क्लियर करते हैं। बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, इस बात को ध्यान दीजिए। अब ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? बी एक्स प्लस सी बराबर कितना है? 0 है। ये बहुपद का क्या है? व्यापक समीकरण है। ये बहुपद का क्या है? व्यापक समीकरण। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इससे पूछा कि आप बताइए कि इसका शून्यक कितना होगा, अधिकतम शून्यक कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि जिस समीकरण का अधिकतम घात जितना रहता है, अधिकतम घातों की संख्या, इसके अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2 है। अधिकतम घातों की संख्या, तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2 है। तो जब ये ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण का जितना ज़्यादा घात रहेगा उसका उतना ज़्यादा शून्यक होगा। नोट करने वाली पॉइंट हमने बताया, हमने क्या बताया कि जिस बहुपद समीकरण का जितना ज़्यादा घात रहेगा, अगर घात 3 है तो शून्यक 3 होगा, अगर घात 2 है तो शून्यक 2 होगा, अगर घात 1 है तो शून्यक 1 होगा। ये बातें क्लियर हुई? तो भूलिएगा मत, भूलिएगा मत डियर स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रश्नावली 2.1 है वो किस पे आधारित है उसको आप समझिएगा। आइए उस पे भी हम लोग रिपीट मारते हैं, जरा एकाग दो ठो लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट कर लेंगे। क्या है देखिए, जैसे आपको दिया क्या है, ऐसे दिया है एक अच्छ, ये एक्स अच्छ है आपका, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रश्नावली 2.2 या प्रश्नावली 2.1 है उसमें शून्यकों की संख्या बताना है, पर वहाँ ये बहुपद इस प्रकार का नहीं दिया, आपको वहाँ ग्राफ दिया गया है और वो भी जिसका शून्यक बताना रहेगा उसको हम लोग बताएंगे। तो देखिए, अब ए ऐसे, ये ऐसे एक बना लेते हैं, फिर दूसरे ग्राफ हम लोग ये ऐसे बनाते हैं, ये एक्स हो गए, ये वाई हो गया,
ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया। इस बार ये ऐसे बनाते हैं। अब आप समझिएगा, ये ऐसे कुछ ग्राफ दिए गए हैं प्रश्नावली 2.1 में, ऐसे कई ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि आप बताइए पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के। तो अगर वो पूछा पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो ध्यान से समझिएगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो देखिए ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है। तो देखिए एक ये हो गया, तो एक शून्यक ये हो जाएगा, ये निर्देशांक जो यहाँ यहाँ जो मान आएगा इस निर्देशांक पे जो मान आएगा वो इसका शून्यक होगा। दूसरा आप देख रहे हैं ये काट रहा है ए डैश, ये मान हो जाएगा। तीसरा आप काट रहे हैं ये ए डबल डैश। तो इसके पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिए पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन, ए ए डैश ए डबल डैश। यानी ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगी वो उतने शून्यक होंगे। ये बातें क्लियर हुई, बातें समझ में आई, आइए आगे बढ़ते। अब देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रही है, एक दो, तो इसका नाम ए, इसका नाम ए डैश। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, दो। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सर जी ये तो वाई एच को भी एक जगह काट रहा है, तो यहाँ भी तो शून्यांकों की संख्या तीन होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये बातें आपको ध्यान से समझना है, वो किसके शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है। अगर पी वाई के शून्यांकों की संख्या पूछा होता तब हम जरूर देखते कि ये वाई को कहाँ पर काट रहा है। अगर मैं पूछूँ इसमें पी वाई के शून्यांकों की संख्या, तो यहाँ पी वाई के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो वाई अक्ष को एक जगह पर काट रहा है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए प्रश्नावली 2.1 की तरफ बढ़ चलते हैं और उम्मीद है कि आपको प्रश्नावली 2.1 चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको मूव करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आपकी प्रश्नावली 2.1 तो दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो आपके पास बुक अवेलेबल है। पृष्ठ नंबर 31 पे खोलेंगे तो वहाँ पर प्रश्नावली 2.1 देखने को मिल जाएगा। क्या कह रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ। ध्यान से दीजिएगा, वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, न कि पी वाई का ग्राफ दिया गया है, नीचे दिया गया है आकृति में 2.10 में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, न कि पी वाई के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। तो आप ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार सवाल को रिपीट कर दे रहे हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। जो कोई आपका बहुपद है वो पी एक्स के लिए वाई है, वो कोई बहुपद वाई है और उसके लिए पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। अब वो पी एक्स में शून्यांकों की संख्या बताना है। तो आइए सवाल को बनाते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। पहले का पहला नंबर, पहले का पहला ग्राफ आपको क्या दिया गया है, पहले का पहला ग्राफ दिया है ऐसे कुछ, फिर उसके बाद ये ऐसे। आगे ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी यक्स कहलाती है, अगली वाली लाइन क्या कहलाती है, एक्स डैश, ऐसे हो जाएगा। ये आपका वाई होता है, ये आपका वाई डैश होता है, अभी हमने ये आपको बता के रखा था। और ये जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो आपका ओ होता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब एक रेखा इस पर खींची गई है, वो जो नीली हम लोग नीले मार्कर का यूज कर रहे हैं, ये नीला मार्कर आपको बता रहा है कि ये ग्राफ पी एक्स का दिया गया, ये ग्राफ किसका दिया गया है, पी एक्स का दिया है। ऐसे ही अब आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग समझते चलते हैं इस सवाल को। आप यहाँ से समझिएगा कि क्या पूछ रहा है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। तो आप बताइए ये आपका क्वेश्चन है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। तो क्या ये जो रेखा है वो एक्स वाले रेखा को कहीं पर काट रही है, क्या ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है, नहीं काट रही है। तो नहीं काट रही है तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है वो एक्स को कहीं पर काटेगी, जितने जगह काटेगी उतना पी एक्स के शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे क्योंकि दी गई रेखा ऐसे आप ये लिख देते हैं, क्या कि जो दी गई रेखा है या जो ये रेखा है
वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रही है, अतः शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लिखते हैं ग्राफ में रेखा, रेखा का नाम दे ए और क्या नाम दे बी, रेखा ए बी एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं या कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, अतः शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। ये हमने एक सवाल में लिख दिए, अब आपको आगे कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल के लिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरे सवाल का ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार, ये आपका क्या है एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है, और ये मूल बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक, उसके बाद कुछ इस पे ग्राफ आपके ऐसे दिए गए हैं, ए ऐसे करके ए ऐसे। ठीक, आप ध्यान दीजिए ये ग्राफ आपको दिया गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें भी वही पूछा है पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि देखिए ये जो रेखा है ये रेखा एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रही है, एक तो यहाँ काटी है, पर ये एक्स अक्ष को नहीं वाई डैश को काट रही है। तो वाई को हमको नहीं देखना है, एक्स को, तो एक्स को कहाँ काट रही है, एक बिंदु पर। तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक, और वो कौन है, बिंदु ए है, बिंदु ए है। ठीक भैया, तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या हो गई, एक हो गई। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्या है, तीसरे का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया, ठीक ये ग्राफ दी गई है। अब यहां भी आपसे पूछ रहा है पी एक्स के, यहां देख लीजिएगा इस सवाल के लिए क्या है, यहां भी आपसे पूछ रहा है पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या। आप ध्यान समझिए, यहां देखिए कितना है, ये एक्स अक्ष को एक जगह काट रही है ए पॉइंट, फिर यहां तो काट रही पर ये वाई को काट रही, फिर कहां काट रही, यहां ए डैश, फिर कहां काट रही, यहां ए डबल डैश। तो कितने हुए, एक दो तीन, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। क्यों, क्योंकि यह एक्स अक्ष को तीन जगह पे काट रही। तो इस प्रकार आपका तीन सवाल कंप्लीट हो जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं बचे हुए सवालों। चलिए आइए हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं, एक बार वही जोश वही ऊर्जा के साथ क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोना नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना एक कहावत है, कौन कह के गया था तो मुझे नहीं पता, पर हमको पता कि जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। तो आपको जागना है, जाग के पाना भी है। ठीक, ये नहीं कि जागना है कोई दूसरा लेके चला जाए, दूसरे को नहीं लेके जाना है, मेरा आपका अधिकार है। जैसे सभी 99% पा सकते हैं, 90% पा सकते हैं, तो क्यों आप लोग नहीं पा सकते, बता सकते हैं। जो पाने वाले हैं उनके भी दो हाथ दो पैर होते हैं, और जो न पाने वाले हैं उनके हाथ पास भी दो हाथ दो पैर होते हैं। तो जब वो कर सकता है, वो पा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं पा सकते, पा सकते हैं। केवल दोनों में अंतर ये आता है कि कभी कभी कुछ कारणें आ जाती है, जैसे कहा गया है कि वो जागते हैं वो पा जाते हैं, पर हम तो जागते हैं तब भी नहीं पाते, जागने का तरीका अलग हो जाता है। आइए क्लास को कंटिन्यू करते, नहीं कहोगे कि क्लास के दौरान क्लास नहीं पढ़ाते, लेक्चर ज़्यादा देते हैं। चलिए आपका जो चार नंबर क्वेश्चन कर रहा ना, वो चौथा नंबर क्या है कि ग्राफ कुछ दिया गया है पुराने वाला जैसा, कि इसे एक्स कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, फिर ये वाई होता है,
फिर ये आपका वाई डैश होता है। आइए, ये जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब इसमें तो ये ग्राफ ऐसे कुछ बनाया गया है, ए ऐसे करके, आप समझिएगा। अब यहाँ पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, तो मैंने एक बार नहीं कई बार बता चुके इससे पहले वाले सवालों में कि भाई जो ग्राफ दिया गया है वो एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा, जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा, उतने शून्यांकों की संख्या होगी। तो एक जगह काटा, दो जगह ए और ए डैश, तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक, सॉरी एक नहीं दो, कितने जगह काटी है, दो जगह। ठीक इसी प्रकार आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका पांचवा नंबर क्या है, पांचवा क्या है, अभी ग्राफ जरा सा बना लेते हैं हम लोग। ये ग्राफ है एक्स, ये वाई, ये वाई डैश, और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, एक्स और एक्स डैश। अब देखिए इस पे जो ग्राफ बनाई गई, ये कितनी जगह काट रही है, सबसे पहली बात तो ओरिजिन मूल बिंदु बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये एक जगह ये ऐसे करके लाए हैं, फिर ए ऐसे ऐसे, ठीक ऐसे, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि ये बताइए यहाँ पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये एक जगह काटे ए पॉइंट, दूसरा जगह ए डैश, एक दो तीन ए डबल डैश, फिर चार ए ट्रिपल डैश, तो कितनी जगह काटे हैं एक्स अक्ष को, एक दो तीन चार। तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी होने वाली है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या चार हो जाएंगी, एक दो तीन चार। बात समझ में आया। इसी प्रकार आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, तो इस चैप्टर का लास्ट सवाल क्या है, वो भी ऐसे एक ग्राफ दिया गया है, फिर उसके बाद इसे एक्स, फिर एक्स डैश, फिर वाई डैश। अब देखिए इसमें ग्राफ क्या बनाया गया है, ये कुछ इस प्रकार है। ठीक ये देखिए इस प्रकार ग्राफ बनाया गया है। अब देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है, तो देखिए एक जगह ए, फिर क्या है ए, ये ए वन कर लीजिए, ए टू, फिर कहाँ काट रही है, यहाँ देखिए कहाँ काटी है ए थ्री, फिर कहाँ काट रही है ए फोर, फिर कहाँ काट रही है ए फाइव। तो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, पाँच हो जाएगी। गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच। तो इस प्रकार पी एक्स के शून्यांकों की संख्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की प्रश्नावली जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है, और आज की वीडियो में भी यहीं तक पढ़ाया जाता है। आई होप कि डियर स्टूडेंट आज की लेक्चर, आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देंगे। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।